अगर आप भी अपने घर के लिए एक एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं डाइकिन के एसी को खरीदने की तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने रिव्यू किया है अपने डाइकिन के एसी को, जिसको कि मैंने 1 ईयर यूज कर लिया है और उसके बाद क्या क्या मेरे को उसके ड्रॉबैक्स लगे, क्या क्या मुझे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लगे, इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे मेंशन करे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। तो दोस्तों, ये है मेरा डाइकिन का एसी, जैसे कि मैंने 1 साल पहले लगवाया था, और कुछ इस तरीके की इसकी इंडोर यूनिट है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डाइकिन की जो है वो ब्रांडिंग भी की गई है। अब पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं कि किस किस पॉइंट्स पर हम इसको रिव्यू करने वाले हैं 1 साल यूज होने के बाद। सबसे पहले इसकी कूलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम एसी लगवाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि कूलिंग कैसा करता है। तो दोस्तों, इसकी कूलिंग है बहुत ही एक्सीलेंट। अगर आप इसको नॉर्मल जो उसका कूलिंग मोड होता है उस पर भी चलाते हैं तो भी आपको काफी एक्सीलेंट कूलिंग ये देता है। साथ ही साथ अगर कई बार हम घर के बाहर होते हैं और एकदम से घर के अंदर आते हैं तो हमें पावर चिल मोड यूज करना होता है इसका, जिसमें कि कमरे को एकदम ही ये ठंडा कर देता है। तो अगर नॉर्मल मोड की बात करूं कूलिंग वाइज, तो नॉर्मल मोड में ये 4 से 5 मिनट के अंदर जो होता है आपके रूम के अंदर आपको कूलिंग फील करवा देगा। और अगर आप पावर चिल मोड इसका यूज करते हैं तो करीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपके कमरे को चिल करना शुरू कर देगा। तो कूलिंग वाइज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी एसी के लिए। अगर रिव्यू में मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है इस एसी का रिमोट। एसी का रिमोट मेरे को ठीक ठाक लगा, और काफी इसमें जो भी सारे के सारे फंक्शंस होते हैं एसी के, वो सारे के सारे फंक्शन ही आपको इस एसी के रिमोट में मिल जाएंगे। हालांकि आपको कोंडा का एयर फ्लो नहीं मिलेगा, या फिर डिफरेंट तरीके के अलग अलग ब्रांड्स के अंदर जो एयर फ्लो सिस्टम्स आते हैं उनका ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। सिंपल इसके जो ऑप्शन होते हैं एक नॉर्मल एसी के अंदर, वही आपको डाइकिन के अंदर मिलेंगे। इसके रिमोट में एक मेरे को प्रॉब्लम ये लगी कि इसको आप कहीं भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इसमें कहीं पर भी आपको स्विच ऑफ का बटन नहीं दिया गया। आपको एसी की यूनिट को स्विच ऑफ करने का बटन तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एसी को इसका जो ये रिमोट है इसको आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। जब मैंने पिछले साल इसको लिया था उसके बाद पूरा साल ये एसी का जो रिमोट है वो ऑन ही रहा है। फिर मेरे को इसकी बीच में क्या है बैटरीज निकालनी पड़ी, ताकि इसकी जो बैटरीज हैं वो ड्रेन ना हो जाए। तो ये मेरे को एक कमी लगी एसी के रिमोट में, डाइकिन के जो भी रिमोट्स आते हैं। साथ ही साथ एक और इसमें बहुत बड़ी कमी आप महसूस करेंगे, वो है इसकी जो डिस्प्ले है, इसमें कोई भी लाइट आपको नहीं मिलती है। यानी कि अगर रात के टाइम अगर आपके कमरे में अंधेरा, आप सोए हुए हैं और अगर एसी की किसी भी सेटिंग को आप देखना चाहते हैं, तो ना तो आपको इसके बटन्स में कोई लाइट मिलेगी, ना आपको इसके डिस्प्ले के अंदर कोई लाइट मिलेगी, जो कि इसका एक मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है। अगर एसी के रिव्यू में थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो इसका गैस। इसकी गैस में अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, 1 ईयर हो चुका है, मेरे को इसकी गैस को रिफिल करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। इस एसी की जो सेकंड सर्विस है वो मैंने अर्बन क्लैब से करवाई थी, तो उन्होंने भी आके एक बार इसकी गैस चेक करी थी कि इसमें गैस भरने की जरूरत है या नहीं है। तो 1 ईयर के अंदर इसमें किसी भी तरीके की कोई गैस भरने की जरूरत उन्होंने मुझे बताई कि नहीं है, और कूलिंग वगैरह बिल्कुल एफिशिएंटली ये कर रहा है। तो इस वे में भी अगर आप देखें कि गैस रिफिलिंग या फिर गैस लीकेज के मामले में भी एसी जो है एकदम अव्वल नंबर है, एकदम फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आफ्टर सर्विस, यानी कि जब आप इसको यूज कर लेते हैं सीजन के बाद, तो उसकी सर्विस जब आप करवाते हैं नेक्स्ट सीजन शुरू होने से पहले, तो उसमें इसका रिस्पांस कैसा होता है। तो सर्विस के बाद इसका रिस्पांस काफी अच्छा होता है। मैंने सर्विस जैसा बताया पिछले पॉइंट के अंदर ही कि अर्बन क्लैब से करवाई थी, अच्छी सर्विस करी थी, उसका भी हमने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो सर्विस करते हैं। और सर्विस के बाद भी इसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा, इसमें गैस फिलिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही साथ इसके जो फिल्टर वगैरह उन्होंने क्लीन किए, सारी चीजें जो इसकी अंदर की डस्ट वगैरह उसको क्लीन किया सीजन के स्टार्ट होने से पहले, तो उसके बाद जब मैंने इस एसी को दोबारा ऑपरेट करना शुरू किया तो डेफिनेटली इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। कूलिंग में मुझे कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए किसी भी तरीके का एक्सटर्नल जो स्टेबलाइजर है वो नहीं दिया जाता है जब भी आप इस एसी को परचेज करते हैं। तो मैंने भी एक सेपरेट इसमें स्टेबलाइजर लगवाया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू गार्ड का यहाँ पे स्टेबलाइजर लगाया गया है। तो आजकल जो भी कंपनीज है वो रिकमेंड नहीं करती है स्टेबलाइजर एक्सटर्नल लगाने के लिए। हालांकि अगर आपके एरिया में भी वोल्टेज जो है वो स्टेबलाइज नहीं रहती है, अप डाउन होती रहती है, तो उस केस में ये प्रेफरेबल है कि आप स्टेबलाइजर जरूर लगाएं, जैसे कि मैंने एक ये एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगवाया है। प्लस साथ ही साथ आप इसमें एमसीबी भी लगवा सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी सर्ज होता है वोल्टेज के अंदर तो एमसीबी अपने आप ट्रिप होके जो आपका एसी है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इस वे में भी एसी मेरे को ठीक ही लगा, हालांकि कंपनी रिकमेंड नहीं करती है स्टेबलाइजर के लिए, बट आप चाहें तो बाहर से इसको लगवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है फैन की स्पीड की। इसके फैन की स्पीड कैसी होती है, फैन की स्पीड इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे आपको फैन का ऑप्शन भी मिल जाएगा रिमोट के अंदर, और यहाँ पे आपको 3 लेवल की स्पीड यहाँ पे मिल जाती है। आप इसको ऑटो पे रख सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम पे रख सकते हैं, फिर मीडियम पे रख सकते हैं, फिर हाई पे रख सकते हैं। तो फैन की स्पीड के हिसाब से भी इसका रिस्पांस मेरे को 1 ईयर यूज के बाद काफी अच्छा लगा। कभी भी आपको ये चीज फील नहीं होगी अगर आप इसको, आपको ज्यादा हवा की जरूरत है, ज्यादा आप चाहते हैं कि हवा का फ्लो आपकी तरफ आए, तो अगर आप इसको हाई पे सेट करते हैं तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हवा जो है वो कम आ रही है। अगर आपने हाई पे भी सेट कर रखी है तो भी कम आ रही है,
बल्कि इसका एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप इसकी लो मोड पे भी इसके फैन की स्पीड को देखेंगे तो काफी अच्छी फैन की स्पीड आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो उस वे में भी 1 ईयर यूज के बाद मुझे इस एसी से कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो इसका एक तरह से मेरे को ड्रॉबैक लगा 1 ईयर यूज के बाद, कि इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एसी में जो यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है इसके अंदर कहीं पे भी टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं करता है। तो अगर आपको टेम्परेचर बदलना होगा, टेम्परेचर कितना है वो आपको देखना होगा, वो आपके रिमोट की स्क्रीन पे देखना होगा। और रिमोट की स्क्रीन के लिए भी मैंने आपको बताया कि इसमें लाइट नहीं मिलती है, तो अगर रात को आपको कभी टेम्परेचर को कम या ज्यादा करना है और आप भूल गए कि आपने कितना टेम्परेचर रखा हुआ है, तो ना तो आप इसकी जो डिस्प्ले यूनिट है यहाँ पर उस टेम्परेचर को देख पाएंगे, और ना आप अंधेरे में एसी का जो रिमोट है उसको उसके अंदर उस यूनिट को देख पाएंगे। उसके लिए अगेन आपको या तो अपने मोबाइल फ्लैश लाइट को ऑन करना होगा या फिर अपने कमरे की लाइट को जलाना होगा उठकर। तो ये मेरे को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगा कि या तो आप यहाँ पे डिस्प्ले दे देते जिससे कि अगर कोई बंदा रात को सोया हुआ है और अगर उसको एकदम से ज्यादा ठंड लगती है या ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो डिस्प्ले यहाँ पे देख सके, उसको कमियां ज्यादा कर सके। ये चीज मेरे को एसी डाइकिन के एसी के अंदर थोड़ी सी ड्रॉबैक लगा। एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर 1 ईयर यूज की सर्विस कितनी इजी है इसकी। तो सर्विस काफी इजी है इसकी, आप चाहें तो कंपनी के जो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाकर भी इसकी सर्विस करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अर्बन क्लैब से या फिर किसी और ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर अपने लोकल से भी इसकी सर्विस करवा सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपका बजट कितना है और बेस्ड ऑन आपकी प्रेफरेंस क्या है। हालांकि कंपनी हमेशा यही कहती है कि उनसे सर्विस करवाएं या फिर किसी ऑथराइज्ड जो सर्विस सेंटर है वहां से इसकी सर्विस के लिए आप एग्जीक्यूटिव को कॉल करें, बट इसकी सर्विस भी काफी इजी है। फिल्टर्स वगैरह इजीली इसके रिमूव हो जाते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा पैनल आराम से ओपन हो जाता है, पूरे फिल्टर्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं और सर्विस कॉस्ट वगैरह भी इसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं आती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1 ईयर यूज के बाद भी मेरे को गैस फिलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मेरा काफी पैसा बच गया। हो सकता है अगर कि मैं कोई लोकल ब्रांड का एसी लेता या किसी दूसरे ब्रांड का एसी लेता तो आफ्टर 1 ईयर के बाद मेरे को उसमें एक बार गैस फिलिंग की जरूरत पड़ जाती, लेकिन इस एसी के साथ मुझे ये प्रॉब्लम भी नहीं आई। वीडियो आपने देख ही लिया होगा, अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।